हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर हम पांच फैकल्टीज आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की बात करते हैं और अपने काम में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। आपके फीडबैक्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। गाइज, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो 9 AM पे करंट अफेयर्स आप मेरा देख सकते हैं और 10 AM पे आप मेरे बेस्ट MCQ सेशन देख सकते हैं। कल हम लोग स्टैटिक अवेयरनेस के MCQs की बात करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और टॉपिक हमारा क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी आपको मेरे फ्री में लेसन्स मिल जाते हैं, फ्री में स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और आप फॉलो करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप फॉलो करेंगे तभी आपको मेरे वीडियोज मिलेंगे, मेरे PDFs मिलेंगे। तो इसलिए मुझे आप फॉलो कर लीजिए और इसके अलावा जो भी मेरे अपकमिंग पेड बैचेस आते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ये सब पेड बैच चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं वो देख लीजिए। तो करंट अफेयर्स विद 5000 MCQs फॉर RRB एंड IBPS examinations, जैसा अभी हम सेशन लेके आ रहे हैं वैसा हम लेकर आते हैं 5000 MCQs की हम बात करेंगे। तो ये सेशन काफी अच्छा है, बिकॉज अगर आप इसे ज्वाइन कर तो आप समझो ना, ऐसा जो कंटेंट मैं दूंगा आप उसे PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। एवरेजली हम बात करें तो एक मंथ में आपको 400 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे एवरेज, तो एक मंथ में इतने क्वेश्चन तो एक तरह की बुक हो गई आपकी। जो पैसा आप बुक में खर्च करते हो उसे अच्छा आप इसमें खर्च कर दो, आपका भला हो जाएगा। इसके अलावा मेरा एक कोर्स और भी है जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर है और इस कोर्स को ज्वाइन करते ही आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में मास्टर हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? और ये दोनों कोर्स मेरे चल रहे हैं। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये मेरा कोर्स 3 to 4 PM चलता है डेली, और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो 1 to 2 PM। तो ये दोनों कोर्सेस आप एक ही फीस में देख सकते हो, ठीक है? आइए बात करते हैं। तो गाइस अगर हम आगे बात करें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो क्या करना है, अगर आपको मुझे फॉलो करना है या किसी को फॉलो करना है तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपके सामने गोल के ऑप्शन आएंगे, कौन सा गोल है आपका, मीन्स कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हो उसकी हम बात करें तो गाइज यहां पर इतने सारे ऑप्शन है। मान लीजिए आपको बैंक एग्जाम देना है, आप बैंक एग्जाम पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी किसी का भी देना है, वहां पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पहला ये पेज खुल के मोबाइल पर आएगा जहां पर बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, एसएससी में ये लिखा होगा, रेलवे में रेलवे लिखा हुआ, ठीक है? आपके सामने ये फीस का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 पर मंथ देते हो तो आप एक महीने के लिए हमारा प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, ठीक? अगर आप 3 मंथ के लिए खरीदते हो तो आपको ये फीस पड़ती है 833। देखो जितना लंबा आप जाओगे उतनी फीस आपको पर मंथ कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 12 मंथ के लिए 417 रुपए पर मंथ पड़ती है आपको, ठीक? कहां हजार कहां 400 रुपए। एक बात समझिए कि अगर आप 1 मंथ या 3 मंथ का मॉडल लेते हैं तो आपके साथ दिक्कत क्या होगी, दिक्कत यह होगी कि नए नए एजुकेटर्स आते जा रहे हैं, नए नए कंटेंट आते जा रहे हैं, नए PDFs आते जा रहे हैं, आप वो सब मिस कर दोगे और आपको अगर आप दोबारा आपको दोबारा से एडमिशन लेना ही पड़ेगा और फिर आपको यह महंगा पड़ेगा। तो आपके ऊपर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 6 मंथ का या कम से कम 12 मंथ का आपको लेना चाहिए, बिकॉज इससे फायदा आपको ही होता है, ठीक है? फिलहाल जो भी आपका मन है, आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का या 24 मंथ का कोर्स लेना, लीजिए आराम से। यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जिसमें आपका पूरा ये फीस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल हम 1 मंथ की बात, 1 ईयर की बात करें तो 5000 फीस है, लेकिन अगर आप ये कोड AM लाइव कोड आप अप्लाई करेंगे, ये कोड डालकर आपको अप्लाई कर देना है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस कम होकर 4500 हो जाती है। तो ये फायदा होता है कि आपको फैकल्टी के एजुकेटर के कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? ये हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप का लेआउट है और आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, सेम सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आपको 12 मंथ के लिए फीस पे करनी है, 470 रुपए पर मंथ पड़ता है आपको, ठीक है? और ये आपको यहां पर AM लाइव कोड डालना है, जैसे आप कोड डालोगे जो फीस आपको 5000 शो हो रही है वो आपकी 4500 हो जाती है, ये देखिए, सॉरी हाँ वो आपको इतना पे नहीं करना, ये फीस आपकी 4500 हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। गाइस एक बात और मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, ये फीस केवल आप किसी एक एजुकेटर के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप 2 या 3 या 4 एजुकेटर्स के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप मोर देन 60 एजुकेटर्स के लिए पे कर रहे हो। अगर आप केवल एक एग्जाम की बात करो बैंकिंग,
अगर आप रेलवे या एसएससी में आते हो, ये कोड आपका फिर से वहां पे अप्लाई हो जाएगा। और एसएससी में भी हमारे पास मोर देन 60-70 एजुकेटर्स हैं, सेम रेलवे में हैं। तो आपको जो भी फीस आप पे कर रहे हो उसमें आप सबके कोर्सेस देख सकते हो अपने अपने जो आपका मतलब रेलवे है या एसएससी या बैंकिंग है उसमें। तो ये फायदा होता है इस फीस को पे करने में, ठीक है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और आज हम क्या करेंगे, हम अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए मुझे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है, ग्रेंडर फाउंडेशन नेम्ड इंडियन ओरिजिन पर्सन विक्रम पटेल अमंग सेवन रेसिपिएंट ऑफ विच कंट्री ग्रेंडर अवार्ड 2019 फॉर हिज रिसर्च करियर रेजिंग ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। लॉरिएट्स रिसीव $1,00,000 कैश होरोनियम, ठीक है। आंसर देख क्या इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने आपसे बोला था कि लेवल हम काफी बढ़ाएंगे। विक्रम पटेल और उनके साथ साथ रेसिपिएंट को किस देश का ग्रेंडर अवार्ड मिला है, ये आपसे पूछा गया। कंट्री के बारे में आपसे पूछा गया, और ये कंट्री कौन सी है। यहां पर कविता बोल रही है रशिया, विनीता बोल रही है रशिया, सारे बच्चे बोल रहे हैं रशिया, एंड द आंसर इज कैनेडा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो आजकल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, वो बेसिकली ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अवार्डी का नाम पता है, अब ये जो अवार्ड है ये कौन सा देश देता है, ये आपसे पूछा गया था, और आंसर कैनेडा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ प्रेस्टिजियस जायद मेडल फॉर गिविंग अ बिग बूस्ट टू बायलेटरल स्ट्रेटेजिक टाइज। It is the highest decoration award to kings, president and heads of state. तो ये तो आपको पता होगा, जायद मेडल किसको मिला इस बार का, आंसर दे, आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड द आंसर इज UAE, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहां पर हम ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नीरज चोपड़ा को, तो नीरज चोपड़ा कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। स्विमिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, नन ऑफ दीस। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, अभी तक आंसर आना शुरू नहीं हुआ है। और अभिनव तिवारी का पहला आंसर आया बोल रहे हैं जैवलिन थ्रो, जी हाँ जैवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अवार्डी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू की बात करें कंफर्ड प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड टू ओवर 100 अवार्डीज, मतलब 100 अवार्डीज को दिया गया, ठीक है। अब बोला गया कि महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान डिस्टिंक्शन इज कंफर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ संस्कृत, पर्सन पर्शियन, अरेबिक, पाली, प्राकृत, क्लासिक उड़िया, क्लासिकल कन्नड़, क्लासिकल तेलुगु एंड क्लासिकल मलयालम। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब कि जो ये महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड है ये किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपका है, आंसर दें। और यहां पर आप लोग अपने अपने कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज 2002। तो महर्षि बद्रयान जो अवार्ड है ये 2002 में दिया गया। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। 2019 यूनेस्को बुलेर्नो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड टू रॉयटर्स रिपोर्टर वालोन एंड क्यासोओ फॉर देयर एक्सेप्शनल करेज इन रिपोर्टिंग एन एलिज ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन द विच कंट्री। देखो ये आपको पता है, तो नाम याद रखिएगा वालोन एंड क्या सो ओ, और प्रेस फ्रीडम प्राइस की हम बात कर रहे हैं। आंसर क्या हुआ देख लीजिए यहां पे, व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहां पर 6th क्वेश्चन, व्हाट इज योर आंसर। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने,
सेकेंड एडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवॉर्डेड टू ऑथर राणा दास गुप्ता फॉर हिज 2010 नॉवल सोलो अ टेल ऑफ स्ट्रगमेंट एंड द अल्टीमेट फेल्योर ऑफ मेटीरियल एक्जिस्टेंस द अवॉर्ड कैरीज अ हाउ मच अमाउंट अ टैगोर स्टैच्यू एंड अ सर्टिफिकेट आंसर इसका आंसर क्या होगा एंड राइट आंसर इज $10,000 ऑप्शन नंबर वन तो आपको बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड मिला है राणा दास गुप्ता को और प्राइज मनी कितनी है $1,000 ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एलिस जी वैद्यन सीएमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ विच सिटी In recognition of her work to promote insurance ties between India and the UK. She was the first lady CMD of GIC and also the first lady CMD in public sector insurance industry. मतलब पूरी information आपको बस वो शहर का नाम बताना है और मेरे ख्याल से आपको पता होगा And the right answer is London, option number 2. London is right answer, option number 2 is right answer. Let's move to question number 8. An image of a little girl crying as she and her mother have been taken into custody by US border officials in Texas won World Press Photo of the Year Award. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं. It has been taken by photographer, नाम बताना है आपको, in June 2018. Dutch Swedish photographer, नाम आगे दे दिया गया है. फिलहाल, answer क्या होगा? देखिए, नहीं, Dutch Swedish photographer Peter Ten Hopman won the World Press Photo Story of the Year Award for image of 2018 mass migrant caravan to the US border. ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन है, मतलब and the answer is John Moore. तो John Moore को कौन सा प्राइज मिला है? World Press Photo of the Year. और इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि World Press Photo Story of the Year, तो ये कौन जीता है? ये पीटर टेन होपमैन ने जीता है. तो दो अवॉर्डी के नाम आपके सामने है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देख लीजिए. कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब अवार्ड 2019 की हम बात कर रहे हैं. झूलन गोस्वामी को कौन सा अवार्ड मिला है? ठीक है, मतलब नहीं, कौन सा अवार्ड नहीं, ये कौन सी प्लेयर है, इन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. इसके अलावा सुकुमार जी जो फुटबॉलर है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है. समरन बनर्जी को भी मिला है. बेस्ट क्रिकेटर तनुश्री सरकार, बेस्ट फुटबॉलर प्रीतम कोटल, बेस्ट एथलीट लिली दास. तो ये सब अवार्ड और हैं जो विनर हैं आपके नाम सामने हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? जी हां, इसका आंसर है क्रिकेटर. तो देख लीजिए, हमने आपको कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यहां पर. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉन एडिटर एंड कॉलमिस्ट सीरियल अल्मेडा From which country won IPI means International Press Institute World Press Freedom Hero Award 2019 for his critical and tenacious coverage of civil-military relation in this country. Madamassar, an Egyptian news site, also won Free Media Pioneer Award 2019 of IPI and International Media Support. So, आपको मैं दो information दी है. And the answer is option number 4, Pakistan. तो पाकिस्तान के जो ये डॉन जो न्यूज़पेपर पाकिस्तान का है, वो वहां के एडिटर और कॉलमिस्ट हैं, इन्हें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है. साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखिए यहां पर माडामसार, ये एक फ्री मीडिया वेबसाइट है, इस पर उसको भी अवार्ड मिला है, फ्री मीडिया पाइनियर अवार्ड 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच कंट्रीज एमसीसी द मैरिलबोन क्रिकेट क्लब बेस्ट टाउन हॉनर ऑफ द ऑनरेरी लाइफ मेंबर टू पाकिस्तान इज़मामुल हक एंड साउथ अफ्रीका मार्क बाउचर फॉर देयर एक्सप्लेनरी अचीवमेंट इन क्रिकेट. तो ये किस कंट्री का है, ये हमको मालूम है. गीतांजलि, बैंकिंग क्लास बेटा हमारी दो दिन होती है, कल हमारी स्टडी है, परसों डे आफ्टर टुमारो आपको बैंकिंग क्लास मिल जाएगी. एंड राइट आंसर इज इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, नाम बताइए, हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ इकमंगा इन सिल्वर डिवीजन. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं है, ये तो मालूम ही है आपको क्या इसका आंसर होगा.
एंड द राइट आंसर इज जैक कैलिस, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ऑस्ट्रेलिया वाला मेलबर्न है, ये मैरिलबोने है, ठीक है, ध्यान देना इसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगा फैसिलिटेटेड विथ कोवेटेड पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल वाटर समिट इन लंडन किस देश में. देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, यूके हो ही गया इसमें, ठीक है. प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस, ठीक. तो पहला क्वेश्चन, ग्लोबल वाटर समिट कहां पर हुआ? लंदन में हुआ. किस इंडियन प्रोग्राम को यहां पे अवार्ड मिला? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगा. कौन सा अवार्ड मिला? तो वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर, पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मालूम ही हो गया. पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट श्री श्रीनाथ इंडक्टेड इनटू क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ विच कंट्री फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एप्लीकेशंस इन सिस्टम बायोलॉजी ग्लोबल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. देख लीजिए, आपको नाम बताया गया है श्री श्रीनाथ का. इनको क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम इस देश में जगह मिली है. आंसर आंसर दें, बातचीत नहीं. और इसका आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर 4. यूएसए इज राइट आंसर, यूएसए इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. आइए क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. इंडियाज एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दोस्त एजुकेशन हैज बैग्ड हाउ मच नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइस 2019 अलॉन्ग विथ टू अदर विनर्स. दो और विनर्स इनके साथ, एक है उबोंगो, तंजानिया का एक स्टार्टअप था, एंड प्रैक्सी लैब्स, ये इजिप्ट का एक स्टार्टअप था. तो इन दोनों को भी ये अवार्ड मिला. तो दोस्त एजुकेशन के प्राइज मनी क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है. नेक्स्ट बिलियन एटेक अवार्ड, एंड राइट आंसर इज $25,000. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज फिल्म भयानकम डायरेक्टेड बाई जयराज वॉन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एट बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. इट हैड ऑल्सो वॉन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एट 65th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है. तो भाषा बता दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि भयानकम को किसने डायरेक्ट किया है, जयराज ने किया है. देख लीजिए, इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला बीजिंग में, और इसके साथ साथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एट 65th नेशनल फिल्म अवार्ड में. कौन सी भाषा है ये? मैं हिंदी में तो बोल रहा हूं, मैं कहां इंग्लिश में, मुझे हिंदी आती है, मुझे और कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है. एंड द आंसर इज मलयालम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पुलित्जर प्राइज 2019 ऑनर्स अचीवमेंट इट्स न्यूज पेपर मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म. यानी बताया गया कि पुलित्जर प्राइज जो है ये न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेचर भी है एंड म्यूजिक कंपोजिशन भी है. और कौन सी कंट्री में दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 17, आंसर यूएसए. यूएसए आप लोग आंसर दे रहे हो, क्या सही है. एंड राइट आंसर इज यूएसए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. पुलित्जर प्राइज की पूरी लिस्ट ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, मिल जाएगी और भी आगे मिल जाएगी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक की बात यहां पर हो रही है. ऑनर्ड विथ विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप फॉर 2019 इन रिकॉग्निशन ऑफ हर इंस्पायरिंग अचीवमेंट. मतलब दीपा मलिक को किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप दिया है 2019 का, ये आपसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा इसका देख लीजिए. जी हाँ, एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. न्यूजीलैंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, 6 ग्रास रूट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रिसीव द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2019 ऑफ विच कंट्री. एक मिनट, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है.
इसमें एक नाम नहीं लिया गया, शायद कंप्यूटर जिसे कोई गलती हो गई है, छह नाम थे, उसमें से मैंने आपसे एक पर्सन का नाम पूछा था कि वो किस देश से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको मत देखिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से बनाता हूं क्वेश्चन। मैंने सिक्स नेम्स आपको दिए थे, सारे विनर्स के कंट्रीज के नाम मैंने आपको दिए थे, एक विनर का मैंने नाम पूछा था, वो यूएस से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए, वो क्वेश्चन अधूरा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20th, विच पर्सन ऑनर्ड विथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड फॉर 2018-19 बाई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर हिज बुक टाइटल्ड संविधान काव्य एज अ पोएट्रिक पोएट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, परेशान मत होइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th आपके सामने, आंसर दीजिए फटाक से। और यहां पे विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं खुलबे, अंशुल का पहला आंसर आया है, बोल रहे हैं खुलबे, एंड राइट आंसर इज सुनील कुमार गौतम, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। सुनील कुमार गौतम इज राइट आंसर। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, विच लैंग्वेज पोएट के शिवा रेड्डी विल बी कन्फर्ड सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा, जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं आप देख लीजिएगा, एसएससी वाले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा। फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम टाइटल्ड पक्का की ओटी गिट्टे, ठीक है। तो जरा नाम बताइए कौन सी भाषा के, मतलब ये है, के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान मिला है। आप लोग आंसर दे रहे हो तेलुगु, क्या तेलुगु सही आंसर है? तेलुगु ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हाउ मेनी एमिनेंट साइंटिस्ट एज फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी। इंडिया से 6 लोग चुने गए थे, टोटल कितने ये आपसे पूछा गया। आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 22 and the right answer is 51, option number 3, 51 is right answer, option number 3 is right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की बात करते हैं, हमारा question number 23, which state government scheme उत्कर्ष बंगला means skill training of youth and सबुज साथी cycles for student won world summit on the information society award by UN। उत्कर्ष बंगला emerged winner in capacity building category and सबुज साथी was ranked in the first 5 as a champion project under ICT application e-government category। तो मैंने आपको दोनों स्कीम किसके लिए थी, किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिया, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। हम बात कर रहे हैं 72nd एनुअल कान फिल्म फेस्टिवल की, जो फ्रांस में होता है, ठीक। तो पाम डी ओर मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला वो कौन सी फिल्म को, वो पाम डी ओर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये आपसे पूछा गया। आंसर दीजिए, पाम डी ओर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ये किस कंट्री की मूवी थी, ये आपसे पूछी गई है। जी हां, साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, साउथ कोरिया इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल कोलगेट 2.0, आर्टिकल कोलगेट 2.0 ऑथर्ड बाय विच पर्सन एंड पब्लिश्ड इन मार्च 2018 इशू ऑफ द कैरवन मैगजीन वॉन एशिया चैलेंज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 2018। तो ये किसने जीता अवार्ड, ये आपसे पूछा गया है, फॉर आर्टिकल कोलगेट 2.0 के लिए। ये अवार्ड का नाम है, देख लीजिए किस मैगजीन में छपा, ये भी बताया आपको। नीलिमा रिस्टोशल बोल रहे हैं, नीलिमा एमएस, क्या ये सही आंसर है? एंड राइट आंसर इज नीलिमा एमएस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देख लीजिए, हमने आर्टिकल की बात कर ली, हमने मैगजीन की बात कर ली, हमने अवार्ड की बात कर ली, सारी बात कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
Which Bollywood actor facilitated by Council of EU Chamber of Commerce in India and delegation of European Union for his support in promoting the cause of children's right, supporting women empowerment? तो हमको ये पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, क्या इसका आंसर होगा? Question number 26, guys, what is the answer? Shahrukh Khan. And the right answer is Anil Kapoor. Option number 4 is right answer. Anil Kapoor is right answer. Anil Kapoor is right. Not SRK. अरे नहीं भैया, Anil Kapoor is का answer. चलिए next question. British player Andy Murray and three-time Grand Slam champion received knighthood by Prince Charles, Prince of Wales, for his services to tennis and charity. तो ये तो simple सा question है. मेरे ख्याल से सबको इसका आंसर मालूम चल जाएगा. अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आंसर दिया ही हुआ है. एंडी मरे किस खेल से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, टेनिस. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. तो एंडी मरे को नाइटहुड का प्राइज मिला है. इसके पहले एलिस्टर कुक को मिल चुका था. एलिस्टर कुक इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे, कैप्टन भी थे. नेक्स्ट पॉइंट. इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? जॉय रूट, एमएस धोनी, विराट कोहली, जॉनी बेरस्टो, वन ऑफ दीज. एंड द आंसर इज विराट कोहली. ये हम सीएट, ये हम सीएट अवार्ड की बात कर रहे हैं, सीईएटी की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, विराट कोहली को मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country rapper Derek has set a record with most wins ever after winning 12 honors at Billboard Music Award. He surpassed Taylor Swift's record of 23rd award to become top award recipient in Billboard Music Award history. Naam bataye kya inka naam, matlab Derek kis country se belong karte hain, ye aapse pucha gaya. और कोई बोला है कैनेडियन, कोई बोल रहा है फ्रांस, कोई बोल रहा है रशियन. एंड राइट आंसर इज कैनेडियन. ऑप्शन नंबर 1, कैनेडियन इज राइट आंसर. कैनेडियन इज राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 30th. फॉर्मर इसरो चेयरमैन के एएस किरण कुमार हैज बीन कन्फर्ड विथ विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? शेवलियर डी और नेशनल डी ला लीजियन ऑफ ऑनर फॉर. ये मैं बढ़ा चुका हूं, आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज फ्रांस. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. सारा कुछ पढ़ा हुआ है यार, कुछ भी अलग थोड़ी ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन की बात हो रही है. श्याम सरन विल बी ऑनर्ड बाय विच कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक टाइज एंड एनहेंसिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री. वो कंट्री कौन सी है? यहां पे प्रंजीत बोल रहे हैं जापान, वनिता बोल रही है फ्रांस. वनिता इसके पहले बोल रही होंगी, ठीक है. निशा जापान बोल रही है, अभिनव तिवारी जापान बोल रहे हैं. द राइट आंसर इज जापान. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. वेरी गुड, फैंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मर पेप्सिको चेयरमैन एंड सीईओ इंद्रा नोई की हम बात कर रहे हैं. Presented with honorary degree by Yale University, किस देश में है? For her achievement in business and for being a global role model. What is your answer? Question number 32. And the right answer is USA. Option number 1, Yale University, USA. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. सब यूके को बोल रहे हैं यार, येल यूनिवर्सिटी कहां पर है? एक मिनट बस दीजिएगा मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो ना तुमसे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए में है, तुम लोग बेवकूफ मुझे मत बनाओ, यूएसए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पर्सन हु headed investigation of infamous Nirbhaya murder case has been conferred with 2019 McCain Institute Award for Courage and Leadership.
अदर फेमस अवॉर्डी आर मलाला युसुफजई एंड दिकम्बे मुटुम्बो. तो आंसर दीजिए. एंड राइट आंसर इज छाया शर्मा. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. छाया शर्मा इज राइट आंसर. ठीक है, तो यूएसए में है ये. हाँ चलो नेक्स्ट. इंडियन आर्टिस्ट नाम बताइए. बॉर्न 77th बार्सिलोना बेस्ड जॉन मीरो प्राइस 2019. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंटेम्पररी आर्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड. इट रिकॉग्नाइज प्रेजेंट डे वर्क. ठीक है, हाँ ये देख लेना. 70,000 यूरो प्राइज मनी है, करीब 54 लाख रुपीस. आंसर दें क्या इसका आंसर होगा. सुदर्शन पटनायक है. एंड द आंसर इज नालिनी मलानी. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां पे कंटेम्प्रोरी मतलब डांस फॉर्म की बात हो रही है. बेचारा सुदर्शन पटनायक क्या है, वो सैंड आर्टिस्ट है, तो मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी होगा. हा आप लोग का आंसर. चलिए सब भाई, एक ने बोल दिया सब उसके पीछे पीछे, सब उसके पीछे पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर प्रेजेंटेड विथ ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज. ये देखिए ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज अवार्ड 2019 एज पार्ट ऑफ द कमेमोरेटिव फीस्ट ऑफ द पोथसपली एट सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च इन कोट्टयम. अब कोट्टयम किस स्टेट में, ये यहां से आपको मालूम चल जाएगा हम कहां की बात कर रहे हैं. विनीता पीपल्स चॉइस अवार्ड इन यूएसए, और ये यूरोप की बात हो रही थी इसके पहले. एंड द आंसर इज केरला. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. लेकिन भूलिएगा मत, ऑर्डर ऑफ सेंट जॉर्ज अवार्ड की बात हो रही है, ये भूलिएगा मत. आप लोग भूलते हैं बहुत जल्दी है लग रहा है मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन राइटर नाम बताइए अनाउंस्ड एज विनर ऑफ नाइन डॉट प्राइज 2019. नाइन डॉट प्राइज आपको इसका आंसर बताया थिंकिंग. ठीक है, इसके लिए विनर रिसीव इतना अमाउंट देख लीजिए टू राइट अ शॉर्ट. ठीक है, ठीक है आंसर दीजिए. आप आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. नाइन डॉट प्राइज किसको मिला ये आपसे पूछा गया. एंड राइट आंसर इज, जी हां, एनी जैदी. ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. एनी जैदी इज राइट आंसर. थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए लोगों को, ताकि मालूम चले कि हम ऑसम कंटेंट पे बात कर रहे हैं. वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा कुछ भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जरूर इसे शेयर करिए, ताकि हमको भी अपनी मेहनत का थोड़ा फल मिले ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट इन विच कंट्री जीडी रॉबर्ट गुवेंडर हैज बीन ऑनर्ड विथ वीके कृष्णा मेनन अवार्ड 2019. देख लीजिए पूरा पूरा आपके सामने है. ठीक, विच कंट्री, जीडी रॉबर्ट गोवेंडकर की बात कर रहे हैं हम लोग. इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, वीके कृष्णा मेनन अवार्ड मिला है इन यूनाइटेड किंगडम. ठीक, आंसर दीजिए. एंड राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका. ऑप्शन नंबर वन, साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर. साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर. साउथ अफ्रीका के हैं, यूके के नहीं है मेरे भाइयों. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री ऑथर जोका अलहर्ती, मेरे ख्याल से इस पे तो सब लोग सही आंसर देंगे, वॉन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 फॉर हर नॉवेल सेलेस्टियल बॉडीज, बिकमिंग द फर्स्ट अरेबिक लैंग्वेज राइटर टू विन दिस प्राइज. शी विल स्प्लिट प्राइज मनी ऑफ 50,000 pounds विथ हर यूके बेस्ड ट्रांसलेटर मैरिल भूत. तो देखो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनके ट्रांसलेटर थे, इनके साथ प्राइज मनी शेयर की जाएगी. ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था. आंसर दीजिए. एंड राइट आंसर इज ओमान. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. ओमान इज राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोफेसर बलराम भार्गवा ये कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ज्वाइंटली वॉन 2019 डॉक्टर ली जॉन वूक मेमोरियल प्राइज. ठीक है, फॉर पब्लिक हेल्थ एट 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा. बहुत सिंपल कर दिया, जेनेवा नहीं करना चाहिए था यहां पे मुझे. चलिए, दिस अवार्ड वॉट एस्टेब्लिश्ड इन 2008, इट कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी अंडर
$1,00,000 and the answer is Switzerland. Option number 2 is right answer. क्वेश्चन पूरा पढ़िए, देखिए आपको नॉलेज अपरंपार मिलेगी, ठीक है? परेशान मत होइए, आपको सारे पॉइंट दिए गए हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री राइटर गाय गुणरत्ने वॉन 2019 स्वनसेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डायलोन थॉमस प्राइज, ये नाम है बेसिकली, ये नाम है, विथ प्राइज ऑफ 30,000 pounds. He won award for his debut novel in Our Mad and Furious City. His debut novel is a fictional account of 48 hours in North London housing. ये मतलब बताया गया है पूरा कि novel में क्या है. Answer दीजिए. श्रीलंका. श्रीलंका is right answer. श्रीलंका is right answer. गाय गुणरत्ने कौन सा prize है ये भी देख लीजिए. Prize money भी आपके सामने वहां पर है. चलिए question number 41. Two teams jointly won 10 million prize of Global Learning X Prize, supported by SpaceX founder Elon Musk for developing app to add student learning. Teams are KitKat Schools and Onabillion UK and which country? Answer दीजिए. तो एक तो आपके सामने क्या है, KitKat Team School है जिसमें US और South Korea के लोग थे, and Onabillion, 1 billion. 1 billion की बात करें तो UK और which country? आंसर केन्या. कविता बोल रही है केन्या, कविता को केन्या शब्द अच्छा लग रहा है. नविता इथोपिया बोल रही है. अच्छा और कोई देख लें किसी को. रिश्त अंशु भी केन्या पे गया, विक्रम अधिकारी भी केन्या पे गए, एंड केन्या इज राइट आंसर. अंधेरे में तीर लग गया इस बार, अंधेरे में तीर लग गया. यूके एंड केन्या. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, USA House of Representative, Lower House of US Parliament Speaker, नाम बताइए, honored with 2019 John F. Kennedy Profile in Courage Award. Simple सा question है. And the right answer is Nancy Pelosi. Option number 1 is right answer. Very good. Next question. United Nations Office of Disaster Risk Reduction conferred Sasakawa Award 2019 for Disaster Risk Reduction to Pramod Kumar Mishra ji ko ye award mila. Aapko ye malum hai. Theek hai. Jo ki additional principal secretary to the Prime Minister of India the. He attended 6th session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction 2019 at Geneva. अरे यार ये Geneva यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, आप लोग तो आंसर दे दोगे तुरंत. तो ये कहाँ पर हुआ इवेंट, ये आपसे पूछा गया है, मतलब अवार्ड तो किसको मिला, ठीक है? तो 6th session of Global Platform for Disaster Risk Reduction, ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? Switzerland, option number 1. चलिए next question. Team Kali from India, comprising of 3 students, namely Bharat Sundal, Akash and Vasu Kaushik, emerged as first runner-up, second position in Microsoft Imagine Cup World Championship final in Seattle of which country? Seattle किस देश में, देख लीजिए. लेकिन उसके पहले देख लीजिए टीम, कौन सी टीम, नाम आपको मालूम है, इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया वो आपको मालूम है, ये लोग फर्स्ट रनर अप रहे, ठीक है, और कौन से इवेंट में, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल इन सेटल, ये कहां पर है, किस देश में है, ये आपसे पूछा गया है. और प्रंजीत बोल रहे हैं यूएसए, कविता बोल रही है स्पेन. एंड द राइट आंसर इज यूएस, ऑप्शन नंबर 2. यूएस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री नॉवेलिस्ट टायरी जोन्स वॉन 2019 वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन ऑफ हर फोर्थ नॉवेल एन अमेरिकन मैरिज. वुमेन प्राइज ऑफ फिक्शन, ये प्राइज मिला एन अमेरिकन मैरिज. शी वॉन 30,000 pounds एंड बेसी, ठीक है, विच इज लिमिटेड एडिशन, ठीक है, बताइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा. एंड राइट आंसर इज अमेरिकन जी. अरे फ्रेंच नहीं है, ये सब पढ़ाए हैं यार ये सब. तो चलो
इन्होंने अपने शादी के बारे में इसमें मतलब जिक्र किया था इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ नाम आपको बताना है, हैज बीन अवॉर्डेड, ये तो आपको पता होगा, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोब चैंपियन अवार्ड फॉर बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील्स प्रोजेक्ट. तो दिस एनजीओ फाउंडेशन वॉज फाउंडेड बाई मधु पंडित दासा इन 2000. सिंस एस्टैब्लिशमेंट इट इज रनिंग मिड डे मील्स. ठीक है, आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा. जी रिस्टोंशुल, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया. एंड आंसर इज अक्षय पात्र, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. अक्षय पात्र इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री जर्नलिस्ट मार्क टली कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके इंडिया अवार्ड इन लंडन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया रिलेशनशिप. Previously, he had been knighted by Queen Elizabeth in UK and conferred with Padma Bhushan in India. Global Indian Icon of the Year was won by Kundal Nayyar. ये देखो, ये एक नई न्यूज आपको दी मैंने इसमें. आंसर दीजिए. और आंसर क्या होगा? जी हाँ, आंसर इज ब्रिटिश. तो ये मार्क टली, हम लोग जानते हैं इनके बारे में काफी कुछ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन. फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल हैज वॉन ऑनर ऑफ विच कंट्री हाइएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरिनर्स टाइटल्ड ऑर्डर मैक्सियन डेल ओगिला एजेटेका. ये पता है आपको क्या इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 48 एंड राइट आंसर इज मैक्सिको. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट 39th नंबर के थे, नाम बता रहे हैं आपको, वॉन इनॉग्रल जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश अवार्ड फॉर स्टेट्समैनशिप इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना कन्फर्ड बाई जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश फाउंडेशन. आंसर यहां पर अभिनव तिवारी बोल रहे हैं जिमी कार्टर, रिस्टोंशुल जिमी कार्टर, सबीना, सब लोग जिमी कार्टर ही बोल रहे हैं. आंसर इज जिमी कार्टर, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल्स इंडिया बॉन्ड सीईओ, नाम तो पता होगा आप लोगों को, एंड नेस्डेक प्रेसिडेंट, नेस्डेक अमेरिका का एक इंडेक्स शेयर मार्केट है, प्रेसिडेंट एडेना फ्रीडमैन चूजन फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 बाई बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप यूएसआईबीसी इन रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेक्नोलॉजी. तो आपको इसका आंसर पता होगा. अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, क्वेश्चन सिंपल है. जी हां, सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर 1, सुंदर पिचाई एंड एडेना फ्रीडमैन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की. इंडिया बॉन्ड प्रिया सेडो वॉन मिस यूनिवर्स of which country title 2019. Answer दीजिए. Priya Serao won Miss Universe of which country title. And the right answer is Australia. Option number 2 is right answer. ठीक है, next question. Indian actress, नाम बताना है आपको, will be awarded Danny के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेस एंड फॉर बीइंग अ वॉइस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन. सी इज अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर. व्हाट इज योर आंसर? एंड सबीना बोल रही है, प्रियंका प्रंजीत बोल रहे हैं, प्रियंका विकास बोल रहे हैं, प्रियंका सारे बच्चे प्रियंका चोपड़ा ही बोल रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंजीनियर नितेश कुमार जंगीर नेम्ड अमंग 15 अवॉर्डी फ्रॉम 53 मेंबर कंट्रीज ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ 2019 कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन लंडन. ठीक है, देख लीजिए, आंसर दीजिएगा. तो कॉमनवेल्थ लगा हुआ है, आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, आंसर आपको देना है.
एंड राइट आंसर इज यूके. भाई कॉमनवेल्थ लगी गया तो यूके हो गया है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नोटेड ऑथर अमिताभ घोष फैसिलिटेटेड विथ विश नंबर ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनरिचमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर इंग्लिश. अमिताभ घोष इज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बिकम अ ज्ञानपीठ लॉरियंट. ही वॉज चूजन फॉर इज अवार्ड इन दिसंबर 2018 बाई सिलेक्शन चेयर्ड बाई नॉमलिस्ट प्रतिभा रे. देख लीजिए ये भी अच्छा पॉइंट है प्रतिभा रे वाला. आंसर और यहां पर सबीना बोल रही है 64, रीस टू अंशुल बोल रहे हैं 84, प्रंजीत बोल रहे हैं 64, मीरा बिस बोल रही 54 एंड द राइट आंसर इज 54th. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. 54th इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रचना खैरा ऑफ द ट्रिब्यून न्यूज सर्विस वॉन नोटेड रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन इंडियन जर्नलिज्म. She won Journalist of the Year 2019 award for her this year expose about functioning of Unique Identification Authority of India and its Aadhaar data key case. ठीक है देख लीजिए किस साल के लिए इनको मिला. इन्होंने आधार के साथ जो डेटा का छेड़छाड़ हो रहा था उसको एक्सपोज किया था. एंड द आंसर इज 2018 ऑप्शन नंबर 2. 2018 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. साहित्य अकेडमी सेलेक्टेड हाउ मेनी राइटर्स फॉर साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2019 एंड 23rd राइटर्स ऑफ युवा पुरस्कार 2019. रिया क्या बोल रही हैं आप बताइए. मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाया आपके. एंड राइट आंसर इज 22 साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार एंड 23rd युवा पुरस्कार के लिए. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सुमन राव फ्रॉम दिस स्टेट वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेंडेंट इन अ सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई. सुमन हैज बिकम 56th विनर ऑफ मिस इंडिया टाइटल. सुमन विल रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस वर्ल्ड 2019 इन थाईलैंड इन दिसंबर 2019. अदर टाइटल्स शिवानी जाधव मिस ग्रैंड इंडिया 2019, श्रेया शंकर मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2019 एंड संजना विच मिस इंडिया रनर अप 2019. व्हाट इज योर आंसर. धीरज भैया ऐसा नहीं है यार. ऐसा नहीं है भाई मेरे भाई. ऐसा नहीं है नाराज मत हो. और अभिषेक ने बोला राजस्थान. जैश्वरी ने राजस्थान बोला. तरुण गुप्ता ने बोला है एंड द आंसर इज राजस्थान. ये सब डेटा देख लीजिएगा. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया काफी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टीनेज विच कंट्री क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग 16 ईयर ओल्ड है केवल वॉन एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड 2019 फॉर मोबिलाइजिंग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन ग्लोबल वार्मिंग. तो किस देश की है देख लीजिए यहां पर. आंसर अभिनव तिवारी बोल रहे हैं स्वीडिश. आकांक्षा साक्षी स्वीडन. रीच टू अंटू स्वीडिश. कविता पूछ रही है स्वीडिश. प्रंजीत स्वीडिश. पूजा रीच टू अंटू. सबीना शिखा ओमकार रिया नबिता और कोई है अलेखिया. एंड द आंसर इज स्वीडिश. और नाम ले लें. मुकुल बैनर्जी बहुत अच्छे आंसर दो बेटा. रेणुका बहुत अच्छे. धीरज बहुत अच्छे. रीच टू अंशुल बहुत अच्छे. मीरा बिस्ट बहुत अच्छे. रिया अरे और लोग बोलो आगे सबका एक ही नाम रिपीट हो रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री इंडियन ओरिजिन पर्सन पुरुषोत्तम सावरिकार माखन सिंह खांगोर एंड विजय कुमार हैव बीन अवॉर्डेड दिस कंट्री हाइएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड वर्क टूवर्ड्स कम्युनिटी. कौन से देश ने अपने देश का हाइएस्ट सिविलियन ऑनर दिया इन तीनों को. आंसर जल्दी से. एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर 3. ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल मरंगल
become the first Indian film to win outstanding artistic अचीवमेंट अवार्ड एट शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. कहां पर हुआ? तो शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर? चाइना में होगा. अब देखिए यहां पर वेल मैरंगल की बात कर रहे हैं. ये फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड जीती है, ये याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड विच स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इट्स टोबैको कंट्रोल अवार्ड फॉर 2019 इन रिकॉग्निशन ऑफ राइस. आंसर आपको मालूम चली गया होगा. एंड द आंसर इज राजस्थान. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. एक क्वेश्चन नहीं, इतने क्वेश्चन. अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है बस. तो गाइज ये आपको एएम लाइव कोड के बारे में इंफॉर्मेशन है ना. और थैंक यू सो मच गाइज फॉर आप लोग आए, आप लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर किए. आई होप कि आपको ये सारे सेशन हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में, आपको सिलेक्शन लेने में. अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगा, क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एएम लाइव कोर्स को मत भूलिए. ये जो हमारा पेड कोर्स आया है मेरा, जो हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे. मंथ बाय मंथ भी मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक भी मिलेंगे. तो जिनका भी आईबीपीएस का एग्जाम है या आरआरबी का एग्जाम है, उनको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. सबका दिन मंगलमय हो. सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच.